वॉट अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH. NaOH में क्या ऐड करा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा, टू गेट अ सोल्यूशन इन विच द मोलैरिटी ऑफ द OH माइनस आयन इज 0.5 मोलर. देखो देखो लाइक सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ लाइक सोल्यूशन, ठीक है, लाइक सोल्यूशन यानी एक जैसे सोल्यूशन की मिक्सिंग है. इसका क्वेश्चन है ये, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वॉल्यूम पता नहीं है, इसको VML ले लेते हैं, ठीक है ना, इसकी वॉल्यूम को क्या ले लेते हैं, VML ले लेते हैं. उसका मोलैरिटी पता है 0.4 मोलर, साथ में क्या मिक्स करा, NaOH मिक्स करा, ठीक है ना, और 50 ml इसका वॉल्यूम था NaOH का यहां पर, ठीक है ना, NaOH का वॉल्यूम था 50 ml और 0.3 मोलर, ठीक है ना. अब इनको मिक्स कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, फाइनल OH माइनस का जो मोलारिटी है कितना आ रहा है, 0.5 मोलर आ रहा. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये NaOH तो कैसे टूटता है, NaOH तो टूटता है Na प्लस प्लस OH माइनस में, है ना, NaOH कैसे टूटता है सोल्यूशन में, NaOH टूटता है Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, यानी एक Na प्लस कितना देता है, एक OH माइनस देता है. लेकिन यही बात मैं BaOH होल ट्वाइस के लिए नहीं बोलूंगा, BaOH होल ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हो, ये टूटेगा तो कितने OH माइनस देगा, ये देगा दो देगा ना, Ba2 प्लस प्लस 2 OH माइनस प्लस 2 OH माइनस, ये फर्क है ना. तो बस आपको जो मोल्स यहां से मिल रहे हैं, मिली मोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के, उसके दुगने मिली मोल्स लेने हैं आपको, ठीक है ना, मिली मोल्स फ्रॉम BaOH होल ट्वाइस प्लस मिली मोल्स फ्रॉम NaOH, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम. इतना आपको फाइनल वॉल्यूम कितना, अभी करते हैं, लिखते हैं अभी. देखिए मिलीमोल्स कितने आए, 0.4 इंटू वी इंटू टू. इंटू टू क्यों करा, इंटू टू इसलिए करा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बेरियम हाइड्रोक्साइड दुगने मोल देता है OH माइनस के, प्लस में जोड़ूंगा इसमें OH माइनस के, तो आएगा 0.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम आपके सामने 50 प्लस वी कितना है, 50 प्लस वी या वी प्लस 50 इज इक्वल टू 0.5. यहाँ पर आपको बस सॉल्व करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा. तो 0.5 इज इक्वल टू 0.4 वी इंटू टू यानी 0.8 वी प्लस 0.3 इंटू 50 तो 15 आ गया, डिवाइडेड बाय वी प्लस 50, ठीक है ना. तो इसको क्या कर दो ना, इसको 1/2 लिख दो, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. वी प्लस 50 इज इक्वल टू 0.8 है ना, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, 2 इंटू 0.8 प्लस 15 आंसर आ जाएगा यहाँ से. वी प्लस 50 इज इक्वल टू 1.6 प्लस 30 वी है, यहाँ पर वी है, ठीक है ना, वी प्लस 50, ठीक है, तो 1.6 वी प्लस 30, तो 20 इज इक्वल टू, यह मैं लिख सकता हूँ, सो मैं लिख सकता हूँ 0.6 वी इज इक्वल टू 20, वी इज इक्वल टू 200/6 इज इक्वल टू 100/3 इज इक्वल टू 33.33 ml आंसर, ठीक है ना. इतना कैलकुलेशन तो भाई अब इसमें है, ये आपको बताना पड़ेगा. 33 ml, 33.33 ml ऑप्शन ए मेरा आंसर है. 23 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए. किसका सवाल है, मिक्सिंग ऑफ लाइक सॉल्यूशंस का सवाल है, ठीक है ना, मिक्सिंग ऑफ लाइक सॉल्यूशंस, ठीक है.
चलिए ये हो गया, आसान ही था।